health care center was started in the year 1961. At that time it was named the Rugna Seva Mandir. Essentially it was meant for therapeutic purpose through yoga, first of its kind, which was purely devoted to the yogic science, based on the experimental research being conducted at Kabul. Over the period of time, people not only came here for therapeutic purposes, but they realized the rejuvenating value of yoga, the preventive healthcare aspect. And therefore, many people started coming here only for healthcare. In the year 1991, a naturopathy center was added. Recently, we have added Ayurvedic center. So now it has become a place for a total health care. People come here for minimum a week to ensure that they experience the benefits of the yoga. It is not a weekend kind of a place where you just come and do and go. No, we would like people to experience what they have gone through and whether they have improved or what has happened with them. It is very important for people to understand what they are doing. Just doing is not enough. That is what makes Kabuladham different. Here, when an individual comes, it is an individual package. We give individual attention to people. So if someone comes with a backache, if someone comes for a rejuvenation, stress management, everyone has his own program, be it yoga, be it naturopathy, be it Ayurveda. Any individual who desires to come to the healthcare center just has to make a reservation, and he is asked to come on a Sunday. He goes through his medical consultation, because that is important whether someone has a condition or no. There is an introduction session, which is very important, because we try to give an overview of the institute and the activities which they are going through for the next 7 days, and a personal interaction with me so that they feel at home. इस हेल्थ सेंटर में सारे तरफ से पेशेंट आ जाते हैं, तो कुछ ओल्ड पेशेंट होते हैं, कुछ यंग पेशेंट होते हैं, कुछ छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं. जो कुछ भी लोग, कोई उनका डिसीज नहीं होता तो उसको हम योगा सिखाते हैं, तो उसमें कभी बेसिक आसन सिखाते हैं, बेसिक प्राणायाम सिखाते हैं, और उसमें जो कुछ भी अच्छा तरक्की कर लेते हैं उनको कुछ एडवांस आसना भी सिखाते हैं, और एडवांस मेडिटेशन प्राणायाम ये भी सिखाते हैं. और दूसरे प्रकार के जो पेशेंट होते हैं उनमें कोई प्रॉब्लम होते हैं, कोई डिसीज होते हैं, तो उस डिसीज के अनुसार हम तय कर लेते हैं कि हम उनको क्या दे सकेंगे या क्या करना चाहिए. यहाँ हमारे हेल्थ सेंटर में तीन डिपार्टमेंट्स हैं. एक योगिक डिपार्टमेंट है, दूसरा जो है वो आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट है, और तीसरा नेचुरोपैथिक डिपार्टमेंट है. तो जब हम पेशेंट यहाँ आते हैं पहले दिन संडे के दिन, तो उस वक्त हम उनका मेडिकल चेकअप करते हैं, उनकी प्रकृति देख लेते हैं, और उनके व्याधि के अनुसार उनको योगा थेरेपी में या योगिक सेक्शन में क्या देना है वो तैयार कर लेते हैं, नेचुरोपैथी में क्या देना है वो तैयार कर लेते हैं, या आयुर्वेद में उनको क्या कुछ एक्सपेरिमेंट करना है ये तैयार कर लेते हैं. ओबेसिटी का पेशेंट जब आता है तो पहले हम उसको एक डाइट का चार्ट बनाकर देते हैं, और उसका एक डाइट का शेड्यूल फिक्स कर देते हैं कि उसने इतना ही खाना है. फिर उसके एक्सरसाइज के लिए हम कुछ योगिक आसन उसके चुन लेते हैं और उससे करा लेते हैं, या कोई एक्सरसाइज होता है, चलना वॉकिंग करना है या जिम का एक्सरसाइज, वो भी हम यहाँ से करा लेते हैं. ये इसमें लगता है कि साल में एक बार जरूर आना चाहिए. मैं सोचता हूँ कि लोग कार सर्विस में देते हैं तो ये बॉडी भी कभी कभी सर्विस करा लेना चाहिए. बैक पेन के लिए उस बैक पेन की अवस्था ढूंढनी पड़ती है. कुछ बैक पेन ऐसे होते हैं जिनमें कुछ आसन इंडिकेट नहीं होते, तो बैक पेन का हम सही पहले डायग्नोसिस कर लेते हैं कि किस कारण हुए. उसमें सिर्फ स्पॉन्डिलाइटिस है, स्पॉन्डिलोसिस है, या स्पॉन्डिलोलिस्टेसिस है, या अगर डिजेनरेशन है तो कितनी हद तक है, और फिर ये भी तय कर लेते कि वो कितनी मूवमेंट कर सकता है, किस हद तक कर सकता है, और उसके अनुसार उसके लिए कुछ स्पेसिफिक आसन हम चुन लेते हैं, और वही हम उसे हफ्ते भर में करा लेते हैं, जिसके कारण उसके बैक पेन के जो
मसल स्टिफनेस होता है तो वो दूर हो जाए और उसके मूवमेंट फ्री हो जाए और फिर भी डिजेनरेटिव प्रोसेस जो होती है वो धीरे 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 रिवर्स हो जाए. नाउ आई हैव गॉट सीवियर स्टिफनेस इन माय बैक. इनफैक्ट वंस आई सिट फॉर अ लॉन्ग टाइम वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू गेट अप. आई एम नॉट एबल टू ईट बिकॉज आई हैव गॉट वेरी सीवियर गैस्ट्राइटिस एंड इन 3-4 डेज एज फार एज माय बैक इज कंसर्न इट इज ऑलमोस्ट 95% द प्रॉब्लम इज ओवर. मैं जलगांव से आया हूं. ये मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ आने का. सबसे इस जगह का प्लस पॉइंट जो मुझे अच्छा लगा वो यहाँ का एटमॉस्फियर, जो परिसर है आजू बाजू का वो सबसे बढ़िया है. माइंड को उस फीलिंग से अच्छा लगता. सेकंड बात जो है, ये जो योगासन सिखाते हैं तो हर योगासन में वो क्यों किया जाए, इससे फायदे क्या है और कैसे किया जाए, बिल्कुल बारीकाई से वो योगासन सिखाते हैं और इससे बहुत अच्छा फायदा मिलता है. And I'll be failing if I don't say a word about the staff. The staff is very caring here. I mean, जो कहते हैं ना वो हमारे हिंदुस्तानी में कहा गया है कि अतिथि देवो भवा. They follow this principle here. They really treat you well. They treat you as if you are their part of their family. जो हम देखेंगे तो उसमें वाटर मसाज होते हैं, स्टीम बात होता है, लोकल स्टीम होती है, शिरोधारा होती है या हीप बात होता है या कभी मड बात और मड पैक होते हैं. तो ऐसे जो नेचुरल ट्रीटमेंट्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं. जळगावहून आलेलो आहे. माझा हा दुसऱ्यांदा यायचा प्रसंग आहे. विशेष करून मी जरा जाड असल्यामुळे आणि वजन जास्त असल्यामुळे मागच्या वेळेला माझं वजन जवळजवळ 8 किलो कमी झालेलं होतं आणि आता मी ज्यावेळेला रविवारी इथे जॉईन झालो तर रविवारपासून आजपर्यंत माझं वजन 4 किलो कमी झालेलं आहे. तर ओबेसिटी वाढलेली असल्यामुळे ती कमी होते आणि यांचे जे उपचार आहे सर्व योगासनं वगैरे आणि विविध प्रकारच्या ज्या त्यांच्या नॅचरोपॅथी आहेत तर त्याप्रमाणे त्याचा बराच मला फायदा झाला. मडबातने एकदम पूर्ण माइंड आणि बॉडी वेल सेटअप झालेली आहे. संस्कृतमध्ये सुभाषित आहे, शरीर माध्य खलु धर्मसाधनम. म्हणजे शरीर ही तुमची संपत्ती आहे, त्याची तुम्ही जोपासना केली पाहिजे. हेल्थ इज वेल्थ. त्याच्यामुळे सर्वांनी यावं अशी विनंती.